नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि के दिन जातक उपवास रखकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और इस माह आने वाली पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी खास महत्व माना गया है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इस बार आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और चंद्रोदय का समय और पूजन विधि। तो आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2024 में यानी इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को शाम 5:59 पर शुरू होगी। इसका समापन 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा 2024 चंद्रोदय का समय आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी और इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पंचांग के अनुसार 21 जुलाई को चंद्रोदय का समय शाम 6:47 पर होगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय जल में थोड़ा सा दूध अवश्य मिलाना चाहिए। बता दें कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। गंगा में स्नान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और 21 जुलाई को स्नान व दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 पर शुरू होगा। इसके अलावा इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:00 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की तरह ही आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान है। जो जातक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करते हैं। बताते चलें, धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। तो आइए आगे जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठें, स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य को जल से अर्घ दें और सूर्य देवता की पूजा करें। घर के मंदिर में एक चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की जोड़े में तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। देवी देवताओं की पूजा करें और उन्हें फूल फल चंदन और मिठाई का भोग लगाएं और व्रत का संकल्प लें। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद चंद्र देवता के नाम का जाप करें। अंत में देवी देवताओं के सामने दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। शाम में चंद्र देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और उन्हें जल से अर्घ दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।